गाइस एंड वेलकम टू मिंगल। सो गाइस, आज मैं आपको एक ऐसा हीरो रेकमेंड करने जा रहा हूँ क्लैश ऑफ टाइटन में, जो मेरा पर्सनली सबसे फेवरेट हीरो है एज अ सपोर्ट। और मैं कहूँगा जिन लोगों को सपोर्ट में इंटरेस्ट है COT में, या जो अभी भी सपोर्ट करते हैं, तो गाइस वो भी आपको एक ही चीज़ बोलेंगे, अगर कोई ऐसा सपोर्ट है जो हर जगह चल सकता है, हर वक्त चल सकता है, और वन ऑफ द बेस्ट सपोर्ट है इस वक्त COT में, वो है लंबर। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि मेरा रेकमेंडेड हीरो क्यों है। सो गाइस, लंबर जैसे कि आप जानते हैं एक टैंक है, जैसे आपको दिख रहा है कि एक टैंक हीरो है, और इसकी सबसे अच्छी बात होती है इसकी स्किल्स। सो गाइस देखिए, जब आपके दिमाग में टैंक सुनाई देता है आपको, एक ऐसा टैंकी हीरो, सो आप एक ही चीज़ सोच सकते हैं कि वो एक ऐसा हीरो है जो बहुत टैंकी है, उसमें मोबिलिटी नहीं है और बहुत डैमेज ले सकता है। तो देखिए, मैं आपका मन में टैंक को लेके एक विचार है, मैं उसको तो बदल नहीं सकता क्योंकि ऑब्वियसली 100% ट्रू है। पर अगर मैं आपको लंबर के बारे में थोड़ा बताऊं, तो लंबर 100% टैंक है, पर एक थोड़ा डिफरेंट हीरो है क्योंकि उसको खेलने का तरीका एक बिल्कुल थोड़ा अलग है। तो गाइस देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसको रेकमेंड करने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी स्किल्स, जो मैंने आपको बता दी। इसकी जो पहली स्किल है, ये एक पुश पैक देता है, आप जैसे एक मुक्का मारता है एक तरह से ज़मीन में, जिससे जो सामने अपोनेंट का पुश पैक हो जाता है। इसकी जो सेकेंड स्किल है वो एक डैश, मतलब एक जिस एंगल में आप जाएंगे उस एंगल में सीधा जाएगा, एक ऐसी स्किल है इसकी डैश, बिल्कुल एक चार्जेस इन वन डायरेक्शन, ठीक है। और साथ ही साथ इसके साथ वो एक फिजिकल डैमेज भी देता है। तो देखिए, S1 है नॉक पैक एनिमी, S2 है फिजिकल डैमेज देते हुए चार्ज करता है डायरेक्शन में, तो भले ही फाइट से बाहर निकलना हो, फाइट में घुस के S1 देना हो, तो वो इसका एक सबसे बेस्ट पार्ट है जो काफ़ी टैंक्स में नहीं होता, जब मोबिलिटी की बात करें, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ को टैंक्स में बहुत मोबिलिटी है, पर लंबर में मोबिलिटी जीरो है एक तरह से आप बोल सकते हैं, पर इसके S2 ने इसको काफ़ी सपोर्ट कर रखा है। और इसका लंबर में अगर कोई चीज़ है गाइस जो सबसे OP चलती है इस वक्त, वो है इसका अल्ट। तो मैं अगर आपको इसका अल्ट दिखा दूँ, तो देखिए इसका अल्ट, ये जो ऊपर उछालता है ना गाइस, ये इतना इम्पॉर्टेंट है आपको समझना, क्योंकि आप सोचिए अपोनेंट के चारों प्लेयर आपने ऊपर उछाल दिए, तो जो ये 2 सेकंड के लिए ऊपर उछाल रहा है ना गाइस, आप जरा सोचिए 2 सेकंड में पूरा गेम पलट सकता है, पूरा का पूरा गेम पलट सकता है। अब आप ये सोचिए कि इस 2 सेकंड में जो उछाला है, उसके साथ इसका जो MM है या कोई मेज है उसके पास भी CC है, तो गाइस तब का आप सिनेरियो सोचिए, अपोनेंट बंदा अगर क्लेंजिंग नहीं हुई उसके पास, वो बंदा या क्लेंजिंग उस वक्त उसका कूलडाउन में, वो बंदा परेशान हो जाएगा। तो देखिए इसका S2 ऐसे है, देखिए भाग रहा है, उसने डैमेज दिया, अब आप इसको आप फाइट से बाहर भी आ सकते हो। और इसका S1 जो सबसे ज़्यादा पोकिंग है, देखिए S1 का आपको एक चीज़ में यह ध्यान रखना है, इसका S1 जब आप एक को पोकर इसका दें वो चलेगा, वो अगर नॉकपैक हुआ है तो वो भले मिनियन हो या टाइटन हो, अगर किसी और चीज़ से टकराता है वो टाइटन मिनियन, उससे भी नॉकपैक देगा, उससे भी हवा में उछालेगा। तो गाइस ये मेरे को सबसे अच्छी बात लगी है, अगर आप बोलें कि लंबर में सबसे अच्छा बात क्या है, तो अगर मैं इसका आपको पैसिव भी दिखा दूँ, तो देखिए इसका पैसिव है कि ये इंक्रीज़ करता है आर्मर और मैजिक डैमेज को अपने लिए और अपने आसपास जो एनिमीज़ है, एनिमीज़ कह रहा हूँ, माई बैड, जो टीममेट्स है उनके लिए। तो देखिए गाइस, मैं आपको फिर से बताता हूँ, आप ये इतना रेकमेंडेड, एक लंबर एक ऐसा हीरो है जिसे 100% ही, अगर मतलब उसके काउंटर्स देख के, ऑब्वियसली बिना काउंटर्स देखे तो आप लेंगे नहीं, उसके बारे में थोड़ा आगे बताऊंगा, काउंटर्स लंबर के सपोर्ट के, इसके साथ क्या क्या ले सकते हैं आप, पर लंबर इज़ वन ऑफ द बेस्ट या मोस्ट पिक सपोर्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन क्लैश ऑफ टाइटन। गाइस मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द, मतलब इसका एक गेम प्ले ब्रो, आप जब सपोर्ट खेलते हो, सपोर्ट का काम ही यही होता है कि अपने टीम को बचा के रखे, अपने मेज को, अपने MM को, पूरे अपने जंगल को, सबको बचा के रखे। और ऐसे टाइम पर लंबर का S1, आप अपने प्लेयर को बचा सकते हो, S2 इनिशिएट कर सकते हो, और आप फिर जैसे आप देखिए इसके पीछे चले गया, अब S1 मार के ना थेन को टावर के अंदर भी फेंक सकता है, या अपने जो उसके दूसरे फ्रेंड्स हैं उनके अंदर भेज सकता है, इससे क्या वो मेज के पास भेज देगा थेन को ऐसे, या MM के पास है अपनी टीम के, ऐसा मेज खत्म, थेन बाहर, कोई कितना भी बड़ा टैंक थेन क्यों ना हो निकल ही नहीं पाएगा, क्योंकि इतना डैमेज पड़ जाएगा, क्योंकि बीच में घुस गया अब बच्चे 4 प्लेयर्स के। इसका अल्ट आप देखिए कितने सेकंड के लिए उछलाए, आप इतने सेकंड में, ऐसा तो है नहीं कि इसे हवा में डैमेज नहीं पड़ेगा, इसको हवा में भी डैमेज पड़ेगा, और हवा में इसको डैमेज पड़ते वक्त ही उतरते, हवा जब उछल रहा है तब से लेके इसके नीचे गिरने तक
मेरे ख्याल से इसकी 90% HP तो चले जानी है, क्योंकि जब चारों चार बंदे एक साथ अटैक करते ना, मेरे ख्याल से नीचे भी ना पहुँचे कि तब तक ये पूरा ख़त्म ही हो जाएगा। तो गाइस ये था कि मैं ये था आपका पहला पॉइंट कि मैं आपको जो लंबर है वो रेकमेंड क्यों करूँगा। सो गाइस अब हम एक नए पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। अब वो पॉइंट ये आता है कि जब हम एक टीम की हीरोज़ के पिक किए जाते हैं तो एक टीम कॉम्पोजिशन कैसा होना चाहिए और जो हम सपोर्ट ले रहे हैं वो मतलब कौन सा सपोर्ट बेस्ट सूटेड है उस टीम कॉम्पोजिशन के लिए और जो सपोर्ट अपोनेंट ने लिया है हम उसे कैसे काउंटर करेंगे। सो गाइस जैसे कि आप सब जानते हैं एक बेसिक कॉम्पोजिशन होता है one jungle, one assassin, one marksman, one support, one mage and one DS which can be either a warrior or which can either be a tank DS। सो गाइस ये एक बेसिक कॉम्पोजिशन है COT का या किसी भी एक मोबा गेम का एक बेसिक कॉम्पोजिशन। पर अब इसमें आता है गाइस कि एक ऐसा सपोर्ट जो मतलब बिल्कुल ना क्या कहते हैं एक सिनर्जी अच्छे से बैठेगी टीम के साथ। तो देखिए गाइस मैं आपको पहले लंबर का बता देता हूँ। जो लंबर है एक एक क्या कह सकते हैं परफेक्ट सपोर्ट है किसी भी टीम के लिए। आप देखिए आप कोई भी पिक ले लीजिए उसके लिए लंबर हमेशा ही 100% बैठेगा सही, क्योंकि लंबर एक हीरो ही ऐसा है कि आप कुछ भी ले लीजिए लंबर एक अच्छे से मतलब अगर खेलने वाला लंबर अच्छा हुआ ना गाइस तो आप कोई भी हीरो ले लीजिए लंबर अच्छा का अच्छा ही रहेगा। पर देखिए पर ये डिपेंड करता है अगर आप एक अच्छी टीम के साथ खेल रहे हो अपोनेंट में और आप कुछ भी हीरो ले रहते हैं तो गाइस ऐसा नहीं चलेगा, आपको एक सोच समझ के हीरो पिक करने चाहिए। तो देखो गाइस मैं सबसे पहले अभी आपको मेज जो दो मेन चीज़ मैटर करता है लंबर के साथ वो है अपना सपोर्ट और सपोर्ट कह रहा हूँ माय बैड सपोर्ट तो लंबर है ही मार्क्समैन और मेज, क्योंकि गाइस अर्ली गेम में जो हमारा जंगल लंबर है वो मार्क्समैन को बचाएगा और मिड और एंड गेम में आते आते इसे मार्क्समैन और मेज दोनों को बचाना। तो गाइस ऐसे टाइम पे आपका अगर मार्क्समैन लंबर के उससे सिनर्जी नहीं बैठ रही तो गाइस आप बिल्कुल हार जाएंगे और मार्क्समैन का तो शुरुआत से अगर आपका वो नहीं हुआ तो आप शुरुआत से ही हार जाएंगे। तो गाइस देखिए मैं आपको फिर यहाँ से शुरुआत करता हूँ। तो सबसे पहले मेज आप लंबर के साथ ऐसा क्या मेज लेंगे कि आपका कॉम्बो इतना अच्छा बैठे। तो गाइस मैं आपको बता दूँ रैस को छोड़ दीजिए, रैस को अगर आप छोड़ दीजिए क्योंकि मेरे को रैस का जो भार लेके जाता है रैस वो बहुत अच्छा नहीं है लंबर के साथ क्योंकि लंबर का अल्ट मिस हो सकता है। पर गाइस उसको छोड़ के बाकी जितने भी मेजेस हैं वो 100% सही बैठेंगे लंबर के साथ क्योंकि लंबर हमारा आपका है ही हीरो ऐसा। तो गाइस मैं पर आपको मेनली बता देता हूँ जो आप मेन चूज़ करेंगे वो है CC हीरोज डैमेज डीलिंग के साथ। तो देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट आता है मेज में इलूमिया। गाइस इलूमिया और लंबर का जो आज के टाइम पे कॉम्बो चल रहा है दिस इज़ द क्लासिक कॉम्बो, दिस इज स्टैंडर्ड कॉम्पोजिशन यू मस्ट हैव फॉर लंबर। तो गाइस देखो ये तो एक आपको मैंने बता दिया। दूसरा गाइस एलिस्टर, आपका जो एलिस्टर है उसका अल्ट गाइस उसका जो अल्ट है ना वो बहुत ही खतरनाक चीज़ है कि और क्लेंजिंग से भी नहीं हटता। आप गाइस उसका अल्ट देखिए उसने अल्ट ये दे दिया और उसके बाद आपने अल्ट मार के लंबर से उसको हवा में उड़ा दिया या आपने पहले ही हवा में उड़ा के फिर एलिस्टर ने अल्ट मारा। तो गाइस देखिए ये ऐसे रिस्ट्रिक्ट कर देता है अपोनेंट को। तो आपको मैंने ये कॉम्बो बता दिया ये। तो अब देख सकते हैं मेज क्रिक्सी भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। क्रिक्सी का जो S2 है वो पकड़ के रखता है, वो हवा में उछालता है, उसके जब लंबर हवा में उछाल देगा और क्रिक्सी अल्ट अपना खोल देगी तो गाइस अपोनेंट इज़ डेड सी। तो मैंने आपको ये ऑप्शन बता दिया। तो गाइस अब हम आते हैं मार्क्समैन, क्या मार्क्समैन लूँ मैं लंबर के साथ, क्योंकि आप सब एक लंबर अच्छा हुआ तो आपको MM भी बहुत अच्छा चाहिए क्योंकि MM इज लाइक द सोल ऑफ द इन एंड गेम राइट। सो गाइस मैं मोस्टली सबसे ज़्यादा रेकमेंड करूँगा विथ लंबर लेवल इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बो एज मार्क्समैन विथ लंबर। गाइस प्लीज़ मार्क इट बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि अगर आपने लंबर लिया है तो आप लेवल लीजिए, अगर अपोनेंट ने लंबर लिया है अगर उसका एक ही पिक उसने लंबर लेवल लिया है तो लंबर उसके लिए मत देना उसे, क्योंकि गाइस लेवल के पास शील्ड आती है जिससे वो CC फ्री हो जाता है। हमारे डीओचान की ऐसे जो शील्ड आती है उसकी शील्ड तोड़नी पड़ती है देन ही इज़ नॉट CC फ्री, बट इसके पास इसकी खुद की भी CC है। तो गाइस कैन यू इमेजिन लंबर अगर आपको 2 सेकंड हवा में उछालता है उसके बाद क्या कहते हैं स्टन करता है CC देता है उसके बाद 1.5 सेकंड की 1 सेकंड की लेवल CC देता है। गाइस ये MM की CC लंबर की CC पढ़ने के बाद भी अगर आप जिंदा बच के जाते हैं तो गाइस आई शुड लिटरली प्रेज योर गेम प्ले।
सो गाइस जैसे आप समझ सकते हैं एक जब कॉम्बिनेशन, देखिए कॉम्पोजिशन एक टीम का अलग होता है, ठीक है, एक कॉम्पोजिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक सिनर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट इन दी एंड उस सिनर्जी के साथ जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना गाइस वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर लेवल का और लंबर का कॉम्बो बैठ गया ना गाइस, मैं मेरे को और बाकी सारे रोल्स अपना बेस्ट दे रहे, तो गाइज आई डोंट थिंक, मेरे को नहीं समझ आता कि आप कैसे एक गेम नए क्या कहते हैं गेम को जी अपोनेंट कैसे जीत पाएगा एक गेम को, ठीक है। मैं आपको एक और एमएम सजेस्ट कर देता हूँ, वो है स्लिम्स। स्लिम्स का जो स्टन है जब वो भाला फेंक के मारता है और जो दो तीन सेकंड के लिए बंदा स्टन हो जाता है ना, हिल नहीं पाता गाइज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप ज़रा सोचिए, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा पहले लंबर अल्ट मारता है, ठीक है। ये हो सकता है कि स्लिम्स ने अपना भाला फेंक दिया, ठीक है, और आपके टीममेट्स आ रहे हैं, आपने अपोनेंट के मेन उसको गैंग कर दिया, तो गाइस सोचिए स्लिम्स ने भाला फेंका, बंदा स्टन हुआ, जैसे स्टन खत्म होता है या ख़त्म होता है हवा में उछाल देते हैं, दो सेकंड गाइस, पाँच सेकंड के लिए, मैं सीयूटी में आपको बता दूँ हर एक सेकंड इंपॉर्टेंट होता है, और आप 5 सेकंड के लिए एक बंदे को हिलने नहीं दे रहे हो जगह से, गाइस वो बच ही नहीं पाएगा गाइस, वो 5 सेकंड के लिए मान लीजिए मेज है उनका, ठीक है, ही डजेंट हैव एनी क्लेंजिंग और एनीथिंग, 5 सेकंड के लिए ही वो अपनी जगह से नहीं हिल पा रहा गाइस, ना डैमेज दे पा रहा ना हिल पा रहा, 5 सेकंड गाइस पूरा मैच पलट जाता है 5 सेकंड में। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि कैसा मार्क्समैन कैसा ये अच्छा रहेगा हमारे लंबर के साथ। तो देखिए गाइस काउंटर की बात आती है लंबर के लिए, तो मैं लंबर के लिए बहुत अच्छा काउंटर होगा लिलियाना, क्योंकि लिलियाना का जो काउंटर है वो सबसे अच्छा होगा, क्योंकि गाइस लिलियाना जो मूवमेंट से भागती है ना गाइस, लंबर का अल्ट मिस हो जाएगा, ठीक है गाइस, और मैं क्या कहते हैं रैस भी बोल सकता हूँ, क्योंकि रैस देखिए अगर आपको लंबर को काउंटर करना है तो गाइस कोई भी मूवमेंट वाला ले लीजिए, एमएम वॉयलेट होगी, एमएम में वॉयलेट जो भी कोई भी मूवमेंट वाला है आप वो मूवमेंट ले सकते हो, मूवमेंट से आप लंबर को आराम से काउंटर कर सकते हैं, ठीक है, तो आपका ये हो गया।